यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार करके 30 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। आलम यह है कि जिले के दो तहसीलों के दर्जनों गांव घाघरा नदी के कटान के जद में है। नदी का पानी गांव के अंदर तक पहुंच चुका है। किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं स्थानीयों की माने तो प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के घाघरा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बाढ़ चौकियों को स्थापित कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाब का कहना है कि नदी लगातार कटान कर रही है। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कई बार की गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो घाघरा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कटान हो रही है और फसलें भी तबाह हो रही है। कई बार शिकायत की जा चुकी है कि इसका समाधान निकाला जाए लेकिन यहाँ पर प्रशासन उनकी बात सुनते हुए नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पानी का तेज बहाव मजबूत से मजबूत चट्टान को काट देता है और इसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान है क्योंकि लगातार भूमि कटान हो रहा है, फसलों में पानी घुस रहा है, हजारों एकड़ की फसल खराब हो रही है। घाघरा का विकराल रूप देखने को मिला है। प्रशासन से बार बार अपील की जा रही है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ये दोहरी घाट में हम लोगों ने देखा जो वहाँ का शमशान घाट और भारत माता का मंदिर है वहाँ पर विगत वर्ष भी जलस्तर खतरे के निशान तक पहुँच गया था। और अभी वर्तमान में हम लोग सूरजपुर गांव में हैं और यहाँ जो अभी धीरे धीरे वाटर लेवल पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है। इस बारे में जो भी संसाधन है इसमें हम लोगों ने बात भी किया है शासन में तो हमें आश्वासन मिला है कि आप फ्लड वर्क कीजिए और इसमें ताकि और कटान नहीं हो। पत्राचार तो हम लोग बार बार करते हैं। जब भी पानी का बढ़ाव होता है तब भी तुरंत हम लोग पत्राचार करते हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस काम इस पर हुआ नहीं, ना ही किसी अधिकारी का ढंग का दौरा हुआ।